अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज चिकन कढ़ाई रेसिपी। 1 kg मैंने चिकन ले लिया है और छोटा वाला दही का पैकेट मैंने लिया है, उसको हाफ मैं यहाँ पर मैरिनेशन में डालूँगी। मैरिनेट करने रख रही हूँ मैं अभी चिकन को, और उसमें हाफ़ मैंने दही का पैकेट अभी डाल दिया है और हाफ़ मैं बाद में यूज़ करूँगी। और दही के बाद मैंने डाला है इसमें चाट मसाला, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। और हल्दी मुझे जितना भी डालना होता है मैं मैरिनेशन में ही डालती हूँ, और फिर बाद में मैं उसमें ऐड नहीं करती हूँ हल्दी। तो जब मैं मैरिनेट करने रखती हूँ तब मैं डाल देती हूँ हल्दी जितनी मुझे डालनी होती है। और मिर्चें मैंने थोड़ी सी डाली थी, और फिर बाद में भी थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था। और ये देखें, अभी मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट भी डाला था, और इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया था 1 घंटा। मैंने मैरिनेट करके रख दिया था ये चिकन को, और आप चाहें तो 10 से 15 मिनट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। और इसमें मैंने अच्छी तरह से कट्स लगा लिए थे चिकन में, जिससे कि मसाला जो मैरिनेट मसाला था वो अच्छे से अंदर तक चला जाए। और ये देखें, ये एक सीक्रेट मसाला है, और इसी से चिकन कढ़ाई का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये सभी मसाले हैं जो कि मैं सूखे मसाले ले रही हूँ, खड़े मसाले, और इनको सभी को मैं रोस्ट कर रही हूँ। अभी कढ़ाई को मैंने रख लिया है गैस पर, और मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया डाला है, 1 चम्मच मैंने सौंफ डाला है, और 7-8 मैंने काली मिर्चें डाली हैं, और जो कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास रहती हैं जो कि तीखी नहीं होती हैं ज़्यादा, वो मैंने इसमें डाल दी हैं 7 से 8। और इस तरह से मैंने इनको रोस्ट कर लिया है, और बहुत ही अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लगी थी इनको रोस्ट कर रही थी जब मैं, ये रोस्ट हो चुकी थी। और फिर उसका मैंने एक पाउडर बना लिया था दरदरा। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और 1 बड़ी इलायची मैंने इसमें डाली है, 3-4 मैंने इसमें लौंगे डाली हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्चें डाली थी 3 से 4। और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लिया है यहाँ पर, और इसको अच्छे से मैंने भून लिया है ये देखें। और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, ये जलना नहीं चाहिए पेस्ट बिल्कुल भी। और ये देखें, इस मिक्सचर को मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था मैंने इसको। और यहाँ पर जो मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन, और उसको मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छे से भून चुका था, उसके बाद मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मैंने इस तरह से चलाते हुए पूरे मसाले के साथ कोट कर लिया था। और ऊपर से इसमें अभी मुझे वो मसाला डालना था जो मैंने मसाला पीस के रखा है, और यहाँ पर मैंने ये मसाला ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने मसाला बचा लिया था। और ये मसाला मैंने बाहर से मंगवाया है, ये इंडिया का नहीं है मसाला, और ये मैंने बाहर से मसाला मंगवाया था, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मसाला है, चिकन मसाला है। तो ये तंदूरी चिकन मसाला, चिकन को रोस्ट करते हैं तो उसके लिए ये मसाला है, बट मैं कभी कभी थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ इस तरह की रेसिपीज़ में भी। चिकन की रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले से, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डाला था। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा दही जो कि मैंने बचा के रखा था बाकी का, वो सारा दही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। दही से टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, और ग्रेवी भी आ जाती है चिकन में, या किसी भी रेसिपी में ग्रेवी भी अच्छी खासी आ जाती है। और उसके बाद में कुछ सॉल्ट मैंने ऐड किया था मैरिनेट करने में, और थोड़ा सा सॉल्ट अब मैंने यहाँ पर डाला है, और उसके साथ में थोड़ा सा और मैंने मसाला डाला है रोस्ट वाला। तो ये सब डाल के मैंने फिर से मिक्स कर दिया है इसको अच्छे से, और अभी इसको मुझे कुक करना था कवर करने के बाद। ये देखें, थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया है, बट मैं टमाटर इसमें डालना भूल गई थी, टमाटर की मुझे प्यूरी बनानी थी, टोमेटो प्यूरी मैं बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद और कवर कर दिया था लिड से अच्छे से। और टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, ये देखें मैशी हो गए थे, सब मिक्स हो गए थे, और इस तरह से कवर करने से बहुत जल्दी से टमाटर गल जाते हैं, और चिकन भी मेरा अच्छे से टेंडर हो गया था। हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, थोड़े से मैंने स्लिट कट करके हरी मिर्चें ऐड की थी,
और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बनकर तैयार हुआ था। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड इजी रेसिपी है ये। रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत फटाफट आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं, किसी भी गेस्ट के सामने जल्दी से सर्व कर सकते हैं बनाकर, और बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा लजीज ये रेसिपी है। जो लोग मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं उनको मालूम होगा कि मैं चिकन कोरमा रेसिपी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ होता है जो कि डाइजेस्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ये बहुत कम मसालों के साथ, सिंपल मसालों के साथ और बेसिक मसालों के साथ आप इजी रेसिपी बना सकते हैं और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कम मसालों के साथ ही चिकन को बनाना पसंद करती हूँ और ज़्यादा अच्छा रहता है डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा, और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके बाद मैंने इसको कर लिया था डिश आउट और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बनके रेसिपी तैयार हुई थी और इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफि।